नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिस्ट्री हब में। आई सिद्धांत मिश्रा वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल हिस्ट्री हब। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन मॉडर्न पीरियड। और पहला प्रश्न है यूपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा था और सेम एज इट इज प्रश्न जो है आपका जीआईसी लेक्चर 2012 में आया है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र वॉज रन बाय अ कमिटी हुज नंबर ऑफ मेंबर्स वॉज। आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में पाटलिपुत्र का जो प्रशासन था वो एक समिति द्वारा चलाया जाता था जिसमें सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन हमको कौन देता है। ये इन्फॉर्मेशन हमको देता है मेगस्थनीस। मेगस्थनीस जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक ग्रीक एम्बेसडर था और इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। हालांकि ये इंडिका अभी मूल रूप से नहीं मिलती है बट हमको इसकी राइटिंग के बारे में पता चलता है। तो ये हमको बताता है कि जो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन था पाटलिपुत्र का दैट वॉज रन बाय अ कमिटी जिसमें टोटल सिक्स काउंसिल्स थे और हर एक काउंसिल्स में पांच पांच सदस्य हुआ करते थे। यानी कि आपको टोटल जो नंबर बताना है वो कितना हो जाएगा 30। इसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर, सेलिकस निकेटर की एम्बेसडर था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनीस और इसने भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 वर्गों में बताया है, यानी कि 7 क्लासेस बताया है। और ये सेम क्वेश्चन एक बार पूछा गया था पीजीटी 2010 में। तो मेगस्थनीस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देता है, एग्रोनोमी एस्ट्रोनोमी दो ऑफिसर्स के नाम भी देता है और 6 काउंसिल्स। तो वो सारी काउंसिल्स क्या क्या करती थी वो मैंने यहाँ पे चार्ट बना के आपको रखा है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जो पहली समिति है वो इंस्पेक्शन करती थी, निरीक्षण करती थी इंडस्ट्रियल और क्राफ्ट वर्क का। दूसरी समिति विदेशियों के विषय में देखती थी और तीसरी समिति सेंसस यानी कि जनगणना मतगणना करती थी, सॉरी जनगणना करती थी। और जनगणना केवल मनुष्यों का ही नहीं बल्कि उस समय जो एनिमल्स हैं उनकी भी जनगणना हुई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमको कहाँ से पता चलता है, तो वो एक तीसरी समिति है वहां से पता चलता है। चौथी आपकी वाणिज्य को देखती थी, व्यापार वाणिज्य। पांचवी मार्केट रेगुलेशंस यानी कि जो बाजार व्यवस्था है उसमें कहीं मिलावट ना हो रही हो, कुछ ना हो रहा, इन सब चीजों की जांच परख करती थी। और छठी समिति जो है वो कलेक्शन करती थी सेल्स टैक्स और टोल टैक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन यूजीसी नेट 2014 में पूछा था, द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ मेगस्थनीस इज लॉस्ट एंड वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स डिटेल्स फ्रॉम कोटेशन गिवन बाय सम लेटर ग्रीक राइटर सच एज एरियन, डियोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रैबो। आंसर आपको कोड में देना है। मेगस्थनीस का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया है। मूल ग्रंथ कौन सा था मैंने आपको बताया था इंडिका। मेगस्थनीस की इंडिका जो है ये लुप्त हो चुकी है, यानी हमको इसका जो मूल ग्रंथ है वो नहीं मिलता। बट इसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उदाहरणों से मिलती है जिनके नाम है, तो आपको आंसर कोड में देना है। तो ये जो है आपके जितने भी यूनानी लेखक हैं सभी के राइटिंग से हमको मेगस्थनीस के विषय में जानकारी मिलती है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि जो एरियन ने पुस्तक लिखी है उसका नाम भी इंडिका है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में मेगस्थनीस और एरियन दोनों ने पुस्तक लिखी है, दोनों का नाम इंडिका है। और इसके अलावा डियोडोरस ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है बिब्लियोथेका हिस्टोरिका। तो ये कई बार हो सकता है मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लें या आपसे हो सकता है वन लाइनर क्वेश्चन पूछे। प्लूटार्क ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है पैरेलल लाइफ, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं पैरेलल लाइफ। एरियन की पुस्तक भी इंडिका है, डियोडोरस की पुस्तक का नाम बिब्लियोथेका हिस्टोरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीजीटी 2016 में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्तांग मेंशन इन अर्थशास्त्र। जैसा कि आपको पता है अर्थशास्त्र जो है ये एक पॉलिटिकल बुक है, पॉलिटिकल कॉम्पोजिशन है जो कि लिखी है कौटिल्य ने। तो इसमें इसने सप्तांग सिद्धांत दिया है, मतलब राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है, यानी कि एक थ्योरी दी है ऐसी जिसमें स्टेट इस गिवन एस, मतलब स्टेट के 7 लिम्स बताए हैं। तो 7 लिम्स ऑफ स्टेट बताए हैं, राज्य के 7 अंग बताए हैं। तो इनमें सबसे पूछा है कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें नहीं फॉल करता, स्वामिन, दुर्ग, प्रेक्षा या मित्र। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे आपको जो लिम्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है आपका स्वामी, स्वामी या उसको आप कह सकते हैं किंग, रूलर, कुछ भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट इसके बाद आता है अमात्य यानी कि मिनिस्टर। थर्ड आपका आ गया दुर्ग यानी कि फोर्ट। फोर्थ में आ जाता है आपका फ्रेंड,
मित्र, फिफ्थ में आ जाता है आपका कोष यानी कि ट्रेजरी, सिक्स्थ आ गया जनपद यानी कि टेरिटरी, और सेवेंथ में आ जाता है आपका दंड या फिर आप कह सकते हैं जस्टिस। तो ये सात जो लिम्ब है ये है। तो अभी आपका इसमें से ऑप्शन में जो प्रेक्षा है ये ऐसा करके ऐसा कोई भी लिम्ब नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मौर्यन पीरियड स्कल्पचर। इसमें से कौन सी मूर्तिकला जो है ये मौर्य कालीन नहीं है? यक्षी पालवाहक, हाथी ध्वलिका, मथुरा में खड़े बुद्ध, या रामपुरवा का बैल शीर्षक स्तंभ। तो ये जो मथुरा के खड़े बुद्ध हैं ये आपके मौर्योत्तर पीरियड के हैं यानी कि पोस्ट मौर्यन एज, पोस्ट मौर्यन पीरियड स्टैंडिंग बुद्ध स्टैच्यू ऑफ मथुरा। नेक्स्ट, टीजी 2016 में पूछा था, देयर इज ओनली वन इंस्क्रिप्शन इन विच अशोका टॉक्स अबाउट टैक्सेशन। केवल एक ही अभिलेख है जिसमें अशोक ने करारोपण की बात की है, तो वो कौन सा अभिलेख है? दोस्तों वो है रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन, रुमिनदेई स्तंभ लेख है जो कि आपको मिलता है नेपाल से। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे छोटा अभिलेख है अशोक का ये, तो हो सकता है आपसे पूछे सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो वो रुमिनदेई है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपका भबरू है, ये जो है ये लॉन्गेस्ट है और दिस वन इज शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक। इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया ये आपको नेपाल में मिला है, नेपाल के लुम्बिनी शहर से मिलता है, और इसमें अशोक ने करारोपण की बात की है, टैक्सेशन की बात की है। उसके शासन काल में 21वें साल में बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा करने का उल्लेख मिलता है, और इस लेख में अशोक ने पहली बार शाक्य मुनि शब्द का प्रयोग किया है। ब्राह्मी लिपि का लेख है और इस शिलालेख की खोज दिसंबर 1896 में नेपाली सेना के पूर्व प्रमुख जनरल खड़क शमशेर जंग बहादुर राणा ने की थी, और ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। तो कुछ इसके बहुत से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, हो सकता है आपसे कोर्ट में ही क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर एजुकेशन एग्जाम 2018 में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ मॉडर्न पीरियड। निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल का पुरातात्विक संदर्भ नहीं है? उत्तर काले पॉलिश मृदभांड, महास्थान अभिलेख, पक्की ईंटें या चित्रित धूसर मृदभांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स, महास्थान इंस्क्रिप्शन, फायर ब्रिक्स या फिर पेंटेड ग्लेवियर्स। तो एनबीपीडब्ल्यू, जैसे आपको पता है एनबीपीडब्ल्यू का जो टाइम पीरियड है दैट इज पोस्ट महाजनपद पीरियड यानी कि मौर्य टाइम पे ही है। महास्थान अभिलेख जो है चंद्रगुप्त मौर्य का है, चंद्रगुप्त मौर्य का महास्थान अभिलेख है जो कि आपको राशनिंग प्रणाली के बारे में बताता है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। फायर ब्रिक्स भी थे, तो कौन सा नहीं है? वो पेंटेड ग्रेवियर्स जो है ये मौर्य पीरियड का नहीं है। नेक्स्ट, टीजीटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, इन विच ईयर डिड जेम्स प्रिंसेप रीड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी को पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि जो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी वो 1837 में पढ़ी थी, और आप मुझे बताइएगा कि कौन सा अभिलेख जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में, जो कि पहला अभिलेख भी था, अशोक का अभिलेख था पहला, कौन सा अभिलेख था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014, इन विच एंशियंट इंडियन डायनेस्टी फॉर द फर्स्ट टाइम द स्टेट हेल्प द शूद्रास टू सेटल एज फार्मर्स इन द लैंड ओन्ड बाय द स्टेट। किस प्राचीन भारतीय राजवंश में पहली बार शूद्रों को राज्य द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली भूमि में किसानों के रूप में बसने में सहायता प्रदान की? तो ये आपको मिलता है मॉडर्न पीरियड में, और इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है हमारा? अगेन अर्थशास्त्र, क्योंकि अर्थशास्त्र में ही कौटिल्य बोलते हैं कि किसानी जो है वो शूद्र का शूद्र की वृत्ति है, तो शूद्रों को वहां पे किसानों के रूप में बताया जाता है, ये हमको अर्थशास्त्र से इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीजीटी 2004, थ्री एम्बेसडर्स वर सेंट टू पाटलिपुत्र बाय द ग्रीक किंग, दियर नेम्स वर मेगस्थनीज, टाइमिकस एंड। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में तीन दूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मेगस्थनीज, टाइमिकस और चौथा कौन था ये आपको बताना है। तो मेगस्थनीज को किसने भेजा था? आपको मैंने बताया सेलिकस निकेटर का ये दूत है, मेगस्थनीज को भेजा था। इसी तरह से डायमेकस को किसने भेजा? डायमेकस को भेजा था सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने, एंटियोकस फर्स्ट ऑफ कहाँ का राजा है ये? सीरिया का है। और जो तीसरे दूत की जो बात कर रहा है प्रश्न में वो है डायनोसिस, और डायनोसिस जो है आपका ये आता है इजिप्ट से, इजिप्ट का जो राजा है टॉलमी फिलेडेल्फस,
टॉलमी फिलडेल्फस सेकेंड, टॉलमी फिलडेल्फस द्वितीय, ये इसको भेजता है इजिप्ट से यहाँ पे यूनानी दूध बना के। तो ये सेम क्वेश्चन आया है पीजीटी 2010 में और सेम असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा है। जैसे मैंने आपको बताया जो सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मैगस्थनीज, अर्थशास्त्र, इनका आपको थोड़ा सा फैक्ट याद करने की जरूरत है। अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों में विभक्त किया गया है? तो अर्थशास्त्र को विभक्त किया गया है 15 अधिकरण में। इसमें आपको 6,000 श्लोक्स मिलते हैं, 6,000 श्लोक्स, और टोटल 180 चैप्टर्स हैं, 15 अधिकरण, यानी कि 15 बुक टाइटल हैं और 180 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2012 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस एक्सेप्ट चंद्रगुप्त मौर्य एज क्षत्रिय? निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताता है? विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र या दिव्यावतार? तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताता है, कौन क्षत्रिय बताता है। तो आपको सिंपल, अगर कुछ भी नहीं समझ में आता, आप बस इतना ध्यान रखिए कि जितने भी आपके ब्राह्मण साहित्य होंगे उनमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया होगा, और जितने भी बौद्ध साहित्य होंगे उनमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया होगा। तो अब ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर दिख रहा है, बाकी सारे के जितने हैं विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस या फिर अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को खैर आप धर्म से नहीं नाप सकते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कोई व्यक्ति विशेष करके इस पुस्तक को लिखा ही नहीं गया है, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की व्यक्तिगत जानकारी कुछ नहीं मिलती। हालांकि जो विष्णु पुराण है और जो मुद्रा राक्षस है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति का बताया गया है, और मुद्रा राक्षस के राइटर कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीपीसीएस प्री 2011 में पूछा, और सेम का सेम क्वेश्चन जो है ये आपका यूजीसी नेट 2017 में आया है। अरेंज द फॉलोइंग वेस्टर्न राइटर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नियारकस, प्लिनी, स्ट्रैबो, टॉलमी। निम्नलिखित पश्चिम लेखकों को उनके सही कालक्रम में रखिए, नियारकस, प्लिनी, स्ट्रैबो, टॉलमी। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए जो नियारकस है ये कौन है, ये सेना अध्यक्ष था, अशोक जो अलेक्जेंडर आता है उसकी सेना का अध्यक्ष था, यानी कि जो उसकी नेवी है, नौसेना अध्यक्ष था नियारकस। तो सबसे पहले तो नियारकस हो जाए, तो नियारकस का टाइम तो हो जाएगा आपका 320 BC। इसके बाद आता है स्ट्रैबो, स्ट्रैबो का टाइम पीरियड है 63 BC से 19 AD। इसके बाद आते हैं प्लिनी, प्लिनी का जो टाइम पीरियड है वो है 23 AD से 79 AD, 23 AD से 79 AD। लास्ट में आते हैं टॉलमी, टॉलमी का जो टाइम पीरियड है ये आता है 90 AD के अराउंड, 90 AD से सम 150 AD। और अब आप मुझे इनकी जो कृतियां हैं, जो इन्होंने लिखा है, जो इनकी क्रिएशंस हैं, उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसने क्या क्या बुक लिखी है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था पीजीटी 2019 में, विच वॉज द मेन ईस्टर्न पोर्ट ड्यूरिंग मॉडर्न एम्पायर? मॉडर्न पीरियड में जो पूर्वी तटीय बंदरगाह कौन सा था, प्रमुख बंदरगाह आपसे पूछा गया है। तो सोपारा जो है ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न फ्रंट पे है, पश्चिमी बंदरगाह है ये, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। चंद्रनगर हो सकता है, लेकिन इसका आंसर है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति से जो ट्रेड हुआ करता था वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ होता था, और साथ ही साथ जितना भी इनका ट्रेड वेस्टर्न रीजन से भी होता था वो भी ताम्रलिप्ति से उसका मेजर एक पोर्शन हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में पूछा था असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, व्हाट वाज द लैंड टैक्स रेट ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड? मौर्य काल में भूमि कर की दर क्या थी? तो मौर्य काल में जो भूमि कर की दर थी वो 1/4 से लेके 1/6 तक रहा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी नेट 2017 में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट वॉज एसोसिएटेड विद कंटक शोधन? कंटक शोधन के साथ कौन सा विभाग संबंधित था? तो ये क्वेश्चन एक बार इस तरह से आया है और दूसरी बार दूसरे तरीके से आया है। जो न्यायपालिका थी, जो दंड था, वो कंटक शोधन उसको बोलते थे, और उसका जो अधिकारी हुआ करता था उसका नाम पूछा गया था कि कंटक शोधन का अधिकारी जो होता था उसको क्या बोलते थे? तो उसको बोलते थे प्रदेष्टा। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये नोट डाउन कर सकते हैं आप, प्रदेष्टा बोला गया था इसको। इस तरह से एक दो बार मैचिंग मैच द फॉलोइंग में भी आया इस तरह के क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको हम नोट डाउन कर लें। यूपीपीसीएस प्री 2001 और जीआईसी लेक्चरर 2015 में सेम क्वेश्चन आया। तो जैसा आप देख रहे हो ना कि क्वेश्चन जो है किसी एक एग्जाम में पूछे गए तो वो सेम एज इट इज दूसरे एग्जाम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन ऐसे ही घूमते हैं इधर से उधर। दूसरे एग्जाम में हो सकता है, अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, हो सकता है आप
तैयारी कर रहे हो यूपीपीसीएस की या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपके लिए पीजीटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस में भी देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य हु वॉज द गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो ऑप्शन में जो तुषास दिया हुआ है ये भी सौराष्ट्र का ही राज्यपाल रह चुका है, लेकिन ये अशोक के समय में था, और पुष्यगुप्त जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवीएस टीजीटी 2018, अकॉर्डिंग टू कौटिल्यास अर्थशास्त्र स्थानीय वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ, कितने गांव की प्रशासनिक इकाई को स्थानीय बोला जाता था? तो 800 गांव थे, 800 गांव की जो प्रशासनिक इकाई थी उसको हम स्थानीय बोलते थे, और इसका पूरा एक ऑर्डर है, कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछते हैं, स्थानीय, द्रोणमुख, कुलवाप क्या है, तो आप मुझे बताइए कि द्रोणमुख के अंतर्गत कितने गांव हुआ करते थे, कुलवाप के अंतर्गत कितने थे, इस तरह से एक पूरा इसका एक ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, विष्टि, बेगार, भाग, स्थानीय कर लोकल टैक्स, कर महसूल, प्रणय आपात कर या इमरजेंसी टैक्स जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें जो विष्टि है ये सही मैच है फोर्थ लेवर, जो कि बेगार जिसको हम बोलते थे कराया जाता था, और जो भाग था ये लोकल टैक्स नहीं था, ये भाग जो है ये आपका क्या था, भूमि कर था, यानी कि लैंड टैक्स था, लैंड टैक्स। भाग और बलि आपने सुना होगा, बलि जो है वो स्वेच्छा से दिया जाता था, जो अपनी इच्छा से किसान राजा को अर्पित करते थे उसको बलि बोला जाता था, और ये जो भाग था ये लैंड टैक्स था जिसको ऑफिशियली लिया जाता था, क्योंकि मॉडर्न पीरियड में 1/4 से लेके 1/6 के बीच में रहा करता था। यूजीसी नेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इंडिकेट दैट अशोका हैड नॉट रिमूव कैपिटल पनिशमेंट, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से संकेत मिलता है कि अशोक ने मृत्यु दंड समाप्त नहीं किया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमको पता है कि अशोक ने जो उसका धम्म है उसका प्रचार किया था, पीस लविंग हो गया था, उसने युद्ध वगैरह सब त्याग दिए थे, परंतु उसने सेना रखनी नहीं छोड़ी थी और उसने कैपिटल पनिशमेंट भी नहीं हटाया था, तो ये हमको मिलता है अशोक के चतुर्थ स्तंभ लेख से। लास्ट क्वेश्चन है आज का, पीजीटी 2016 में पूछा था, इन विच ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन वी फाइंड अ पीकॉक, अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था? लौरिया नंदन, रामपुरवा, दिल्ली टोपरा या सारनाथ स्तंभ? तो इसमें से जो लौरिया नंदन स्तंभ है इस पे हमको अशोक के अभिलेख के साथ हमको मोर की आकृति मिलती है। तो ये आज के प्रश्न थे, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर, और मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।